मोदी सरकार ने ठान लिया कोहिनूर है अपना, अपनी चीज आएगी हिंदुस्तान। क्या सापित कोहिनूर कर देगा भारतीय राजनीति में उलट फेर? क्या सच में कोहिनूर है सापित? ब्रिटेन की जनता भी हो गई कोहिनूर से तंग, खुद अंग्रेजों ने कहा वापस कर दो भारत का कोहिनूर। अब तक महारानियों के ताज में सस्ता था कोहिनूर, क्योंकि पुरुषों को कर देता है तबाह कोहिनूर। कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे महंगा और चर्चाओं में रहने वाला हीरा है। ये भारत का हीरा है जिसे चाल और प्रपंच से अंग्रेजों ने ब्रिटेन पहुंचा दिया। अब वही कोहिनूर भारत आएगा, क्योंकि मोदी ने कोहिनूर के भारत वापसी का मन बना लिया है। कोहिनूर को लाने के लिए बाकायदा एक अभियान भी चलाया जाएगा। कोहिनूर से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट को आपको दे रहे हैं। कोहिनूर से जुड़ी एक और चर्चा के बारे में जान लीजिए। कहा जाता है कोहिनूर सापित है, जिस किसी के पास जाता है उसका ओहदा छिन जाता है। कहा जाता है कोहिनूर की वजह से भारतीय इतिहास में खूब लड़ाइयां हुई है, कई राजाओं की मृत्यु तक हो गई। यह एक हाथ से दूसरे हाथ पहुंचता रहा पर किसी के पास टिक नहीं पाया। 118 कैरेट का यह हीरा अपने आप में नायाब है, यह अरबों का हीरा है। हालांकि इसके मूल्य का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि कभी इस हीरे को बेचने के लिए कीमत नहीं लगाई गई है। कोहिनूर के स्थापित होने को लेकर कहा जाता है जब ये भारत में था तभी इसे लेकर राजाओं में लड़ाइयां हुई, फिर ये पंजाब के राजा रंजीत सिंह के हाथों महारानी विक्टोरिया के पास चला गया। कहा गया रंजीत सिंह ने महारानी को यह तोहफे में दे दिया। इतिहास का वो हिस्सा जिसे सब मानते हैं तोहफे का हिस्सा, लेकिन कहानी बेहद जुदा है। क्या एक हीरा जिसे लेकर राजाओं में युद्ध हुए वो हीरा किसी राजा के पास आएगा तो उसे तोहफे में किसी और को दे देगा? खैर, इतिहास को समझने के लिए विस्तार से चर्चा अगली कड़ी में होगी। फिलहाल कोहिनूर के स्थापित होने की कहानी के बारे में जानते हैं। कहा जाता है जब से ब्रिटेन के पास कोहिनूर गया है उनसे धीरे धीरे बहुत कुछ छिन गया। कोहिनूर लेने के बाद जल्द ही उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। फिर ब्रिटिशों का वो ओहदा जो ये देश 20वीं सदी में रखता था वो भी अब नहीं रहा। पिछले हफ्ते की बात है, कोहिनूर किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक के समय सुर्खियों में था। उस समय चार्ल्स ने अपनी पत्नी रानी कैमिला के मुकुट के लिए वैकल्पिक हीरे का चयन करके एक राजकीय विवाद को टाल दिया था। पहले इसमें कोहिनूर शामिल किया जाने वाला था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कोहिनूर पुरुषों के लिए शुभ नहीं है, यह सिर्फ महिलाओं को प्रगति देता है, पुरुषों से उनका सब कुछ छीन लेता है। अब ब्रिटेन के नागरिक कोहिनूर को भारत को वापस देने की अपील कर रहे हैं। इधर भारत भी अपना कोहिनूर लेने के मूड में आ गया है। देश के बाहर से कलाकृतियों को वापस लाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने वाले हैं। कहा गया है आजादी के बाद से 251 कलाकृतियों को भारत वापस लाया गया है। भारत सरकार अब करीब 100 कलाकृतियां ब्रिटेन और अमेरिका समेत अन्य देशों से वापस लाने की प्रक्रिया में है। कहा जा रहा है भारत की कलाकृतियों को वापस लाने के इस प्रयास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब प्रयासरत हैं। उन्होंने इसे एक प्रमुख प्राथमिकता बना दिया है। कोहिनूर जिसे फारसी में कोह ए नूर या प्रकाश का पहाड़ भी कहा जाता है, हो सकता है निकटतम भविष्य में ये भारत में हो। ज्ञान का भंडार ज्ञान स्थली लेकर हाजिर है इंटर की शिक्षा। 10वीं के बाद लेना है मैथ्स या बायो तो ज्ञान का स्थल है यही साइंस स्ट्रीम का बेस्ट विकल्प। गोड्डा का सुपर फैसिलिटी स्कूल अब दे रहा है ISC की पढ़ाई का मौका, वो भी गोड्डा में। अब नहीं है जरूरत दूसरे शहर जाने की, जब आपके शहर में ज्ञान स्थली है फिर कहीं क्यों जाना। अनुभवी शिक्षक पढ़ाएंगे, विद्यालय में ही प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा, लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी, नीट और JEE दोनों निकालना होगा आसान। अब आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे भी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम है उपलब्ध बहुत कम फीस में। अब गोड्डा में नामांकन जारी है, जल्दी करें। हमारा पता है प्रताप नगर सरकंडा गोड्डा। हमारा संपर्क है 9472792572 या फिर 9472792575।